माशाल्लाह। अम्मी जान इधर बैठी हुई हैं चारपाई पर इस्तियाना की गुड़िया के ऊपर पहरा देकर। दीदी और कपड़े उठा के आ गई। क्या कहती इसे, है इसे पहनाना है। अच्छा जब पहन पाया एक पहनाना इसे भी। अच्छा दिन में 3 बार कपड़े चेंज करती है। तो मैंने कहा अभी ठीक खड़े हैं उन्हें को रख दे। हाँ अभी ठीक है इसे ना वो बांध रही है गिच्ची में बांध रही है उसको मारना है क्या गला घोट के मार दे वो घासती है वो मर जाएगी आगे गे ऐसे नहीं बांधना होगा इसे इतने बंधना बात। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भन भैया कैसे हो। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं घर में भी सब ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र है। हमारी वीडियो भी शुरू हो गई है आगे जो होगा ज़रूर शेयर करेंगे दिखाएंगे दिखाएंगे तो कुछ बोला करें। बहन भी कहते हैं कि ना आपकी अम्मी बोले बस तो आप बोलती नहीं हो। अम्मी ऐसे ही ना बस खाली लबार मारी रखे। हाँ कुछ बोले आज घर का माहौल कैसा है आज क्या किया है आज जो है कितने बंदे हमारे घर में मेहमान आए हैं ये बातें बताओ। मेहमान तो खुद वीडियो में आ जाते हैं हाल हवाल अपना खुद बता लेते हैं हम कौन है कैसे आए हैं। अच्छा मतलब आपने कुछ नहीं बताना। नहीं आप क्यों नहीं बता रहे वो मैं बता रही हूँ ना। अच्छा अच्छा वो वैसे मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जाने पहचाने मेहमान है ना। हाँ हाँ पहचान लेते हैं। हाँ कौशर की अम्मी कौशर की सिस्टर वो तो सब बहन भाई जानते हैं ना। हाँ जी वही मेहमान है बिल्कुल। चलो तो समिया को भी अभी इधर ले आए उसकी चारपाई। तो आप आ जाते थे आज सुकून से बैठी है आज सुकून कर रही है। वो पता क्या उधर ना जब धूप आ जाती थी तो वहाँ ना उधर छाँव पर आ जाते थे। हाँ तो आज बादल बने हुए सारा दिन। अच्छा तो छाँव पर बैठी है छाँव पर चलो ठीक है। इधर बैठी है जी कौशर की अम्मी चारपाई पर बहुत बड़ी चारपाई पर बैठी है। थक जाओगी बड़ी चारपाई पर बैठी हो। नहीं ये बहुत बड़ी है इधर जो भी बैठता है थक जाता है। अच्छा सुनाओ हाल ठीक तबीयत ठीक है। कौशल के चाचू चले गए वो क्यों चले गए अचानक। अच्छा घर बहुत काम है तो आपको छोड़ने आए थे बस आए थे ने के लिए। अच्छा बेबी को देख रहे चलो सही है। और जारा आटा गूंदने लगी है आज तो आपकी रेस्ट हो गई। आज तो आपकी अम्मी आपकी बहन सब आ गई है अब ना अपनी बहन को जाने नहीं देना फिर इधर काम करा लेगी जब तक सोबिया नहीं आती। हाँ। फिर आपकी हेल्प करती रहेगी। हाँ जी सही कह रहा हूँ ना। पहले आती थी 10-10 15-15 दिन रहती थी अब जब मजबूरी है अब नहीं रहेगी। हाँ उसको पता नहीं था ना। अच्छा चलो अब देखते हैं आपकी अम्मी इधर टिकाती है कि नहीं। नहीं क्या वजह कौन सारा अकेले काम नहीं कर सकती ना। काम अच्छा आप तो अपनी एक रोटी पका के खा सकती हो ना। हाँ माल बहुत है हमारा माल कितनी है हमारे बच्चे करते हैं। हमारे करने वाले बस 3 बच्चे हैं बाकी पता नहीं कहाँ चलेगा सिर्फ 3 बच्चे हैं बाकी भी है माशाल्लाह से पूरी फैमिली है। हाँ जी वो जो माल की आप बात कर रहे थे ना। हाँ जी रोटी तो वहीं करते हैं बिल्कुल। अच्छा हांडी पकाना शुरू कर दिया है माशाल्लाह। हाँ चिकन कढ़ाई या चिकन कोरमा हाँ उसको बताती रहो अगर वो पकाती तो शायद खराब ना हो जाता। खराब हो जाता तो बाहर फेंकना पड़ता कौन खाता फिर। ठीक है रिजवाना आज आपने सीखना है कि चिकन कैसे बनता है। हाँ फिर 1 किलो ले आएंगे वो आपको कहेंगे पकाओ ठीक है।
जब सीख जाओ तो। रखिया तो वैसे भी नहीं पकाते, रखिया पका लो आप। आपको भी नहीं आता पकाना, आप बाकी सालन तो पका लेती हो। अच्छा, नहीं इसकी तो पहले मसाले की भुनाई, फिर चिकन की भुनाई, फिर अच्छा अच्छा चलो ठीक है। साकिब को देख रही हो, वो रो रहा है, गंजा हो गया है, गंजा आज हंस रही है क्या? नहीं नहीं, हम साके भी बुलाएंगे, नाम नहीं पकड़ साके है नाम, हम वहीं बुलाएंगे। कुछ दिन तक बाल आ जाएंगे फिर। हाँ जी, नहलाएंगे और वो जो ऊपर से ना तेल वगैरह लगा लेते हैं, हाँ, उससे ना वो जल्दी हो जाते हैं जी। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस्तिहाना चलो जाओ, आप भी टेंट करवा लो, उस्ताद बुला रहा है। उस्ताद कहता है इसका टेंट कराना है तो आ जाओ, वरना नहीं करेंगे फिर। नहीं, उसको पता है ये तो है कुड़ी, कौन सा सच्ची है। वो कहते आप ले, मैं ले जाऊं, मैं तो इसको इधर रख दूंगा, ये देखो पहले। अब ये और इस जैसा नाई ले आओ ना, जो इनकी मखलूक का हो। साकिब को देख रही हो, गज्जा हो गया है। अच्छा अच्छा यार, इतने कोई बंदा नहीं मिल रहा, मैं क्या उस्ताद को होना है बंदा, उसने पता कर लवा। अच्छा अच्छा, और कोई नहीं है? तो मीनारा वाला रंग करना है ना, मीनारा उत्ते वाला जो है वो कर दे, बाकी चलो जो होएगा। किसी को पूछो ना कोई मीनारा। हाँ जी, हो गई बात? हाँ जी हो गई। अच्छा, क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं जो मीनारों को रंग करने वाले बंदे हैं ना हमारे पास जी, वो गए हुए हैं खैरपुर। अच्छा अच्छा, उनका कम से कम 15 दिन का काम है उधर। अच्छा, अगर 15 दिन में ठहर सकते हैं तो फिर हम उनसे बात कर लेते हैं, वो कर देंगे। अच्छा, मैंने कहा जल्दी वाला किसी और से बात करें, कोई और हो। कहते वो मीनारों वाले तो नहीं है, जो मकानों रंग वगैरह कहते हैं वो बंदे तो हैं जी जी। मैंने कहा उनमें से किसी को पता करो, अगर वो मीनारों को रंग कर लेते हैं हाँ जी मुझे बताएं। कहते वो इधर से महंगे पड़ेंगे, क्योंकि 300-400 का डेली आने जाने का पेट्रोल लगेगा, वो ये कहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बात तो करवाएं उनसे। हाँ जी, वो कहता है मैं पूछ के ना अभी बताता हूँ, सुबह तक इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। हाँ चलो, जल्दी हमारा ये मीनार भी रंग हो जाए, बाकी भी तो काम है ना। हाँ, बाकी भी हैं काम। मैं कहता हूँ मीनार जो है ना बहुत मुश्किल काम है रंग का। हाँ जी, वो कोई तरीकारीगर ही करता है, वो कर ले वो मीनार रंग हो जाए ना जी। नीचे वाला जो भी है मकान वाले प्लस रंग वाले करते हैं ना जी, वो कर लेंगे। इधर वो जो लड़के आए थे वो कहते थे हम नीचे काट देते हैं मीनारों वाले और ढूंढ लेंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं है, अगर मीनार वाला कोई आता है हाँ वो कहता है कि मैंने टोटल करना है, फिर हम क्या जवाब देंगे उसको, क्या कहेंगे जी जी। तो इसीलिए मैंने उनसे तय नहीं किया था, अगर वो आते हैं मीनार सिर्फ खाली मीनार काट देते हैं तो फिर रंग वाले ये लड़के अच्छे हैं नीचे काट देंगे जी। अगर वो टोटल काट देते हैं, तय कर लेते हैं तो फिर हाँ बात हो जाए। और उसके अलावा जो भी काम है ना, मतलब वो विंडो के अभी मिस्त्री नहीं आया आज? विंडो के यार मैं आज सुबह सुबह गया उनके घर। हाँ, उन्होंने कहा रात को वो आया ही नहीं है। अच्छा, नंबर भी उनका बंद जा रहा है, 1-2 दिन खुला है नंबर जी। कहते थे मोबाइल ले आए हैं, पता नहीं किसी का उठाया था क्या किया था जी। फिर कल से मैं मिला रहा हूँ तो नंबर नहीं मिल रहा जी। वो रात को कहते हैं आए नहीं है घर, आज फिर मिलेंगे उनसे। हाँ, शाम को मिले, ये काम जल्दी करना है तो। वो उनके वालिद मिले थे जी, मैंने तो उनको साफ बात की है कि अगर करना है तो आज करें जी, कल करें, 2 दिन है जी। अगर नहीं करना तो मैं
अपना जो कुछ किया है आप, मैं ये नहीं करता कि मैं कुछ नहीं देता जी, पहले हिसाब उनके पास पैसे गए हुए हैं। हाँ। मैंने कहा हिसाब बना लें, जो आपने दरवाजे लगाए हैं जी, चौकटें लगाई हैं, उनका हिसाब बना लें, जो बचते हैं मेरे पैसे वापस कर दें, मैं किसी और से लगवा लेता हूँ। हाँ। ऐसे हमें मंजूर नहीं है ऐसी बातें, जो आज कर रहे हैं तो सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, ये तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, दिमाग पर मस्जिद में कसमें खा गए थे, मस्जिद के अंदर उस दिन वो चौकटें लगाई ना मस्जिद के अंदर आपके सामने, मदनी घर में आप भी थे, मेरे जाने के बाद ही वो, जब वो गए हैं ना चौकटें लगा के जी, उस वक्त लगता है मस्जिद में खड़ा हूँ, अल्लाह की कसम मैं बस ये आपको कल का छुट्टी दे दें, परसों इंशाल्लाह ये फाइनल कर देंगे जी, परसों के बजाय फिर परसों नहीं आए, मैं उनसे मिला कहते हैं जुमारात को फाइनल हो जाएंगे। हाँ। जुमारात गई, जुमा गया, हफ्ता गया, इतना यार अल्लाह पाक उनसे कुछ नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, परेशान हम हैं, सिस्टर भी बार बार पूछते हैं क्या बना, हम उनके पीछे खड़े हैं, मैंने उन्हें कहा अभी आज मुझे जवाब दें, मैं किसी और मिस्त्री के पास जाता हूँ। हाँ जी, चलो जो भी है यार खर्चा जो आएगा हम कर लेंगे जी, फट्टे जो है वो बनवा लेंगे और दूसरे। हाँ, क्योंकि उसके बाद ना वो कहते हैं कि हमने काम शुरू कराया था तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि मस्जिद में नमाजें पढ़े चाहिए और हर चीज इस रमजान से पहले पहले इंशाल्लाह होगी, मस्जिद में नमाजें भी होंगी, बच्चे भी पढ़ेंगे, सिर्फ ये है कि कालीन बिछाना है ना भाई मेरी सिस्टर को, ये जल्दी है जो करना है, फट्टे वगैरह विंडो वगैरह जो लगानी है वो लगा लेंगे इंशाल्लाह जी, दो दिन लग जाए तीन दिन लग जाए जी, हम करते हैं कोशिश इंशाल्लाह, बाकी जो रंग वाला काम है वो बार बार से होगा, अंदर जब रंग करेंगे तो कालीन के ऊपर कुछ बिछा देंगे जी, बाल वगैरह है हमारे पास। हाँ, उन पर कलर नहीं बिखरेगा बिल्कुल, कालीन जब बेच जाएगा तो नमाज भी इंशाल्लाह शुरू करा देते हैं, इफ्तिताह कर देते हैं मस्जिद का। हाँ। ये तो मस्जिदें होती हैं, काम भी चलते रहते हैं, पढ़ाइयाँ भी होती रहती हैं जी, जब कालीन अंदर बेच जाएगा तो इंशाल्लाह मौलवी साहब को भी ले आएंगे इंशाल्लाह, नमाज भी शुरू करा देंगे, बच्चों की तालीम भी शुरू करा देंगे इंशाल्लाह जी जी, इफ्तिताह करेंगे बहुत बड़ा है तो करेंगे। हाँ, जैसे हमने रात को महफिल पे गए थे ऐसी महफिल होगी इंशाल्लाह, बुलाएंगे इंशाल्लाह जी, इफ्तिताह कराएंगे। हाँ। साहब को कारी साहब को बिठाएंगे जी जी, बस मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े में हमारा दिल नहीं करता किसी से लड़ाई झगड़ा करें जी, जाते हैं रोज कहते हैं वो आगे से कसमें उठा देते हैं, हमें अल्लाह की कसम पे तो हमें इतबार करना ही चाहिए, तो हम मुसलमान हैं जी, तो जब वो कसम उठाते हैं तो हम इतबार करके चुप करके आ जाते हैं, अब उसने कसम उठा ली है। हाँ, अब बंदा क्या करे, उसका जहन पता नहीं कहाँ है, क्या सोचता है, अल्लाह के घर के लिए अल्लाह के घर में खड़े होके इतने झूठ बोलना कि बस अल्लाह पाक रहम ही करे जी। चलो, वही खाला यही कह रही थी कि ये काम जितना जल्दी होगा तो हमें पता चलेगा कि आप मस्जिद मुकम्मल हो गई यार, पहले आपको पता है कितनी स्पीड से काम चला है हमारा जी, बिल्कुल जैसे शुरू किया था ना इतनी तेजी से गया, बहुत तेजी से काम गया, जब ये विंडो दरवाजे, मैं मेरी गलती है मैं फंस गया, मैं इनको जानता नहीं था कि कैसा काम करते हैं क्या है जी, मेरी गलती है मैं फंस गया, कहते हैं जी इतने पैसे दे दें, लकड़ी लेनी है, इतनी चीज दे दें, फलाने लेनी, शुरू में मैं भी खड़ा था साथ, कहते थे लकड़ी ले आते हैं, बस एक हफ्ते में ना ये काम मुकम्मल, कैसी बातें करते थे। हाँ, मैंने पैसे दे दिए, मैंने कहा भाई करीब के हैं कहाँ जाएंगे पैसे लेके जी, काम करेंगे शुरू तो जल्दी कर रहे हैं, कहते हैं हमारी बस्ती की है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमें जल्दी करना है जी, जल्दी जल्दी कर देंगे, तो मैं भी इसी उनके इतबार कर लिया उनका जी, तो अब ये हाल है, इन्हीं की वजह से ना इतनी लेट हुई है, सिर्फ विंडो और दरवाजों की वजह से। हाँ जी, मस्जिद माशाल्लाह मुकम्मल हो गई, मीनार भी लग गए, अब रंग वाले कल आ जाएंगे परसों आ जाएंगे। हाँ, रंग भी हो जाएगा, स्पीकर भी लेने हैं, स्पीकर भी ले, जब मीनार रंग कर लेंगे तो फिर स्पीकर भी मीनारों पर बांध देंगे जी, वो तो एक दिन का काम है, जाएंगे बाजार से लाएंगे और रख देंगे जी, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि विंडो मुकम्मल हो जाएं जी, उनके कुंडे वगैरह लग जाएं दरवाजों के जी, और दरवाजों को भी रंग करना है वो भी हो जाएं, वो भी उनके साथ तय हुआ है कि वो रंग वगैरह पॉलिश करके देंगे। अच्छा अच्छा, वो भी कर लें तो हमें कोई टेंशन नहीं है और। हाँ सही है, आज मैं शाम को जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, जब जैसे ही मुझे टाइम मिला ना मैं जाऊंगा उनके पास, उनसे फाइनल करूंगा कि अगर नहीं करना हाँ। एंड करो, अपना हिसाब बनाओ, बकाया जो मेरा बचता है मुझे दो जी, मैं जाकर सुबह किसी और मिस्त्री से, यार एक मिस्त्री से बात करेंगे, दो दिन लगाएगा वो काम कर देगा। हाँ, फट्टे ही लगाने हैं बकाया, वो बाकी तो सारा कुछ लगा हुआ है ना। उस दिन आप गए उधर बैठे के, चलो मैं भी साथ हूँ, चलो काम करो, कैसे गए,
लगा दे फटे जो लगे हुए हैं विंडो के, लेकिन उसके बाद उधर आए हुए थे जी। ठीक है, मैं दो दिन उनके साथ बड़ा प्रेशर डाला, बस लड़ाई तक आ गए थे समझो जी। तो फिर उन्होंने कहा कि यार हम लगा देते हैं, बस काम फाइनल करते हैं, सब कुछ तैयार है। जब भी पूछते हैं बस सब कुछ तैयार है। हाँ। चलो मैंने कहा यार तैयार है तो वो सामान जो फटे वगैरह हैं वो ले आए, जो इधर सामान रखा हुआ है ये लगाएं जी। तो मैं ले गया, वो लगवा लिया, वो चौकाठें बनी हुई थी। हाँ। तो लगा ली वो, माशाल्लाह आपने देखी भी, देखी है वो तो खूबसूरत लगी, खूबसूरत बनी हुई है। तो बाकी मैंने उसमें उसी जगह मैंने खड़े होकर कहा मस्जिद के अंदर ही जी, सारा दिन आपको सामने मैं उधर ही रहा, पूरा दिन लगाया, पूरा दिन शाम तक मैं उनके साथ रहा। मैंने कहा मैं इधर जाता हूँ तो हो सकता है ये निकल ना जाए जी। तो शाम को जब जाने लगे, मैं यार किसी को बांध के तो नहीं रख सकता था मस्जिद के अंदर के सारी रात ही बांध के इधर बैठे रहे जी जी। उन्होंने कहा है कि यार हम सुबह का दिन हमें छुट्टी दें जी, वो जो ऊपर पल्ले के डिजाइन होते हैं ना, हाँ वो डिजाइन हमने बनाने हैं, बनवाने हैं किसी से जी, ठोक लेंगे ना ऐसे ही, ऊपर से डिजाइन होते हैं खूबसूरत से। हाँ। वो डिजाइन हम किसी से बनवाने हैं, वो सुबह हम बनवा लेंगे, कल का दिन हमें छुट्टी दे, परसों आके वो फटे लगा देंगे। अच्छा अच्छा। मैंने उनकी बात पे इतवार किया, मस्जिद में खड़े होकर कसम खा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार कल का दिन आप बनवा लें, परसों आके लगा दें। अब बंदा इतबार ना करे तो फिर भी यार अल्लाह की कसम और अल्लाह के घर में खड़ा होकर बंदा इतबार ना करे अल्लाह के नाम का तो वो भी काम जी। वरना हमारा तो इरादा था कि हम बहुत जल्द इसका काम मुकम्मल करें मस्जिद का। हम तो यार यही सोच रहे थे कि रमजान शरीफ की ईद भी इधर हो, हमारा जहन तो ये था। हाँ। लेकिन इसकी वजह से हम रुके रुकते गए, समझ ही नहीं आ रही यार, मेरा जहन काम ही नहीं। हैरान कर दिया हम सबको कि देखें कैसे फंसाया गया। चलो खैर अल्लाह पाक करम करेगा, हमारे पास भी इतनी फुर्सत नहीं हुई यार। चलो वो पैसे 2 लाख रुपए उधर गए तो हम किसी और से पैसे देकर 2 लाख और बनवा लें, हमारे पास 2 लाख तो नहीं है कि हम कहाँ से दें जी। ये भी मजबूरी आ जाती है ना, वो अभी पैसे देने वो पैसे दे नहीं रहे, वो कहते हैं हम काम करते हैं। हाँ जी फंस गए हैं क्या करें जी। चलो अभी देख लेंगी खाला भी वीडियो, मैं उनको भेजूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी सिस्टर अगर देखेंगी तो हम उनको यही पैगाम देंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमने जो काम करना है इंशाल्लाह एहतियात से कर लेंगे, कारपेट को कुछ नहीं होगा जी। रंग करना है या वो विंडो के फट्टे वगैरह लगाने हैं, कारपेट ठीक है, जब जो ही कारपेट बेच जाएगा जी हम स्पीकर भी ले आएंगे, अजान भी होगी, नमाज भी होगी, बच्चे भी इंशाल्लाह पढ़ाई शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है माशाल्लाह जी, खाना रेडी हो चुका है, ये देखें चिकन बन के आ चुका है, कैसे शोरबे वाला बनाया है, इसमें आलू भी डाले हैं माशाल्लाह। रोटियां कुछ आठ बार में रख दी हैं, कुछ जो है ऐसे ही रख दी थाल में, नहीं वो ना जो हम बनाया है उधर रख दिया है, सुबह वाली रोटियां दोपहर को किसी ने नहीं खाया तो रख दिया। हाँ दोपहर को कोई खाता नहीं है तो इसलिए, दोपहर को देती नहीं है ना, मैं तो कहता हूँ मुझे दे दिया करो, होते हैं लेकिन कोई चीज खाने पीने होती ना सारा वगैरह, बस इसलिए बस सब दिया देने, नाश्ता कर दिया 10 बजे 11 बजे तो भूख भी नहीं लगती। हाँ जी हम तो कभी नहीं खाया जब के मौसम तब्दील हो। हाँ जी इरफान कभी आलू बनाते खाने से जुहर को नाश्ता किया उसने। हाँ जी अच्छा भूख कहना जुहर को खा दे। हाँ अजन भी भूख कहना ही उसको, रात को लेट खाता ना इसलिए। हाँ जी सब कुछ खा के सो जाता है तो फिर वो खाना खाता है। हाँ इसलिए। चलो तो अभी किस चीज का इंतजार है, अभी वो गरीब बेचारे तो आ जाए जो सुबह के जाते। हाँ बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह, बेचारे सारा दिन छुट्टियां मारते हैं, इतना तो बड़े भी थक जाते हैं, तो बच्चों का काम है वो भी पहले साल है। हाँ अगर मुनीब ना पिछले साल रल जाए ना मुनीब अकेला तो फिर वो ना माल वाला ही रखता तो छुट्टियाँ खाना मारता। हाँ तो इसलिए माशाल्लाह दोनों छुट्टियाँ मारते हैं, दोनों इस साल छुट्टियाँ मारने में मस्त। सुबह नाश्ता करके जाते इस टाइम अन्या तक नहीं पहुँचे, वो आ जाए गाँव का दूर निकाले फिर जो खाना खाए एक साथ साथ बैठ कर। हाँ जी तो मज़ा आएगा ना, ऐसे तो एक बंदा खाए बिहार ना हो गया ऐसे। हाँ ऐसे मज़ा नहीं आता, जब सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर खाते हैं। सुबह दादी में बैठे सुबह को सारे मिलके नाश्ता करते हैं। हाँ जी शाम की रोटी भी ऐसे खानी चाहिए, कोई खेल मजाक खाना पीना जी एक साथ बैठे बहुत खुशी होती है। हाँ जी इसलिए। और जकिया अगर भूख लगी है तो सब्र कर लो मैं सब्र करती हूं, अगर नहीं भूख लगी तो जल्दी खा लेना,
हाँ नहीं तो फिर समिया भी इंतजार कर रही है, वो देखें समिया को भी खाना खिला देते हैं और आपको भी। समिया खाना खाओगी? वो एहसान अली को देख रही है। वो जब देती है ना अपनी गाड़ी पर कोई चढ़ा हो तो परेशान होती है, गाड़ी तो मेरी है। लेकिन अभी तो हंस रही है ना उनको देखकर। समिया आपकी गाड़ी चला रहे हैं, हैं? उनको बोलो ना चलाओ, बोलो बोलो कौन चला रहा है? एहसान अली चला रहा है। सुबह लेट उठती है ना, सर्दी होती है इसलिए नहीं उठ रही, बस अंदर से कौन से सो जाती है। हाँ जी आज चिर क्या उठी है, काले चिर क्या उठी है। 11-12 बजे तो उठाती हो, अगर सुबह 8 बजे उठा दो तो क्या होता है? उठो देखे नहीं ऐसा उठा लो वाला सब बात सब बुरा। अच्छा चलो चलो ठीक है, सब्जियां आ रहे हैं उनको फ्रेश करना होता है, सुबह सुबह ठंडा पानी होता है। हाँ तो इसलिए अपने टाइम पर ठीक ही उठ दिया। अपने टाइम पे उठती है भाई। हाँ। उसको हम तंग नहीं करते। कौन सा उनको काम करना होता है उसे जल्दी उठे हैं, उनको तो सिर्फ अपने खाने की होती है। हाँ साकेब को उठा लेती है, कहती है हाँ सबसे वो ना कोई काम पे लगा होता है ना तो मैंने बोल दिया कि आप साकेब को उठा लो। हाँ तुम्हारी भाभी चाय बनाती है फिर रोटियां बनाती है, माया उठो मंदूर निकाला फिर लस्सी बनाई फिर झाड़ू लगाया इससे लगाया और जानवरों की जगह पे लगाया, ऐसे ना पर काम बहुत ज्यादा होता है। हाँ तो इसलिए जकिया ना बेबी को उठा के बैठ जाती है। अच्छा चलो हसीब देखो आ रहे हैं बच्चे के नहीं, ठीक है? अभी तो नहीं आए। देख आए हो? अभी नहीं आए। चलो इंतजार खड़ा है ना मालकी। हाँ जी धकवाएगा। हाँ पता नहीं दूर जाते हैं दूसरा दिन है फिर लेट आते हैं। हाँ दूर जाना पड़ता है ना, बकरियां तो कोई जल्दी इस टाइम आ गया, बकरियां तो गई तो बहुत अंधेरा हो गया था। हाँ लेके आया आज ना, ना बकरियां आया ना गई आया पता नहीं है। करीब जाते हैं। हाँ नहर के करीब जाते हैं ना।